तो इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत। सो देयर कैन बी हार्मफुल, देयर कैन बी यूजफुल पंचाई। हार्मफुल पंचाई में सबसे पहले आ जाता है क्या? राइजोफस, इट यू कैन से डिग्रेड ब्रेड। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेनिसिलियम, रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट आ जाता है क्लेविसेप्स, एर्गोट डिजीज ऑफ राई। देन देयर इज एस्परजिलस, इट इज ए कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट मतलब जो खराब करता है, कंटेमिनेंट इन लैब कल्चर। जो हम कल्चर्स करते हैं, किसी बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं तो बीच में एस्परजिलस ग्रो कर गया। बैक्टीरिया का कल्चर ही नहीं हुआ, एस्परजिलस ग्रो कर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी टिश्यू कल्चर में प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा टोड स्टूल्स, दीज आर पॉइजनस मशरूम। फाइटोफथोरा, इट कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये हमने किया था। ठीक है, देन ऑल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। हेलमिंथोस्पोरियम, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। देन ट्राइकोफाइटॉन, अनदर इज माइक्रोस्पोरम। दे कॉज रिंग डिजीज ऑफ फुट इन ह्यूमन। उसके बाद रस्ट फंजाई, हमने ये लिखा हुआ है। अनदर इज मट फंजाई। ये सब हमने किया हुआ। उसके बाद आ जाता है बेटा यूजफुल फंजाई। पेनिसिलियम स्पेसिफिक है नोटेटम, एंड पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। दे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आजकल तो यूज नहीं होते बेटा, बट
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट वॉज ए वंडर ड्रग, बहुत सारे सोल्जर्स को ठीक करने के काम आई, कौन सी ड्रग? दैट इज पेनिसिलिन. नेक्स्ट है पेनिसिलिन, कैमेम्बरटाइड, और एक और आ जाता है, चलिए ये हम कह देते हैं, इट कॉजेस फ्लेवरिंग ऑफ चीज. ये फंगस चीज बनाने के लिए नहीं, ये फंगस चीज को यू कैन से फ्लेवरिंग के लिए जो है वो काम करती. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक है मोलस्कस परफ्यूरियस. इट यील्ड्स कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, लोअरिंग ड्रग्स, दैट इज क्या बोलते हैं इनको, स्टैटिन. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, और बताओ और कौन सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट. यीस्ट, सैक्रोमाइसिस. सेरेविसिया, ये है यीस्ट, ये यूज्ड इन बेकिंग, केक्स ब्रेड्स बनाने के लिए, और दूसरा है यूज्ड इन ब्रूइंग बियर या हार्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए भी सैक्रोमाइसिस का यूज होता है. अनदर इज न्यूरोस्पोरा, यूज्ड इन जेनेटिक स्टडीज. ये स्टडी मटेरियल है, ये स्टडीज के काम आ जाता है. देन अगेरिकस मोर्केला ट्यूबर, ये तीनों क्या है, दीज आर एडिबल फंजाई, जिसको हम खा सकते हैं. देन एस्परजिलस, एक तो हार्मफुल तो है ही है, बट एस्परजिलस जो है सोर्स ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा. तो इट इज द सोर्स ऑफ, एक एसिड मिल जाता है दैट इज ग्लूकोनिक एसिड, अनदर इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है जी. उसके बाद जो विसीडियोमाइसीट फंजाई, are best decomposers, dead matter को decompose करते हैं, therefore they are used as nature's scavengers, right? Another is trichoderma, एक और fungus है, it yields drug cyclosporin.
जिसका क्या काम है, विच लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सॉरी 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 वो तो ऊपर आ गया, विच सप्रेसेस इम्यूनिटी, विच इज यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसेंट, जो इम्यून सिस्टम, वो किडनी ट्रांसप्लांट है, कुछ और प्रॉब्लम, एलर्जीज है, कुछ है, तो उस केस में हमें इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा लोअर डाउन करना है, तो क्या देते हैं, साइक्लोस्पोरिन, विच इज यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसेंट. सो दीज आर सम ऑफ द यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई. और भी बहुत है बट ये मेन है. ठीक है, लिखिए. तो ये हमारा था फंजाई का. उसके बाद फंजाई कई चीजों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन. तो पहले हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है लाइकन. लाइकन क्या है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद एल्गी. LICHENS, lichens, right? Lichens नहीं बोलना, it's not lichens, it's lichens. Symbiotic association of fungi with algae. जो ये एल्गी है ये आइदर बीजीए और ग्रीन एल्गी. जो फंजाई है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, तो दिस इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन है यहाँ. ठीक है, तो स्टडी ऑफ लाइकन, इसको हम कहते हैं एक पूरी स्टडी है लाइकनोलॉजी. फादर ऑफ लाइकनोलॉजी थियोफ्रेस्टस. लाइकन्स जो है, इन लाइकन्स हमारे पास है माइकोबायोंट. माइकोबायोंट मीन्स फंगल पार्टनर. और ये जो है इट फॉर्म्स 95% ऑफ लाइकन. दूसरा पार्टनर क्या है, फाइकोबायोंट. माइको का मतलब होता है फंजाई, फाइको का मतलब होता है एल्गी. तो दिस इज एल्गल पार्टनर एंड इट इज 5%. इसका क्या फंक्शन है, इट फॉर्म्स माइसीलियम ऑफ लाइकन. लाइकन का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया, फंगल पार्टनर से, माइकोबायोंट से. और इसका क्या फंक्शन है, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. And thus provides nutrition.
ओपन जाए, ठीक है, ये इट फॉर्म्स माइसीलियम ऑफ लाइफ तंत्र एंड एब्सॉर्ब वॉटर प्लस मिनरल्स, और ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। देन लाइकन्स आर बहुत स्लो ग्रो करते हैं, स्लोएस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, सबसे धीरे धीरे ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइकन्स कैन नॉट टॉलरेट SO2 एयर पोल्यूशन, इसलिए जहां पर लाइकन्स प्लेन्स में नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स बहुत है, SO2 पोल्यूशन बहुत है, बहुत ऊपर वाले हिल्स में मिलते हैं। बेटा आप ये देखो, फ्यू मिलीमीटर साल में, एक साल में फ्यू मिलीमीटर ग्रो करता है, इससे ज्यादा करता ही नहीं, ठीक है जी। तो दे कैन नॉट टॉलरेट SO2 एयर पोल्यूशन, देयरफॉर अगर किसी जगह पे लाइकन्स मर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर SO2 एयर पोल्यूशन बढ़ गई है। तो लाइकन्स आर बायो इंडिकेटर्स, ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में ही रहते हैं ये प्लेन्स में भी, चंडीगढ़ में भी किसी टाइम पे रहते होंगे, बट अब इतना व्हीकल, इतना पोल्यूशन है कि अब यहाँ के सारे मर गए। लाइकन्स आर बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता बेटा टाइप्स ऑफ लाइकन्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर ST। सबसे पहले है क्रस्टोस, क्रस्टोस का मतलब होता है क्रस्ट लाइन, बस एक जो सबस्ट्रेटम है उसके ऊपर एक पपड़ी सी जमी हुई है लाइकन की, आप ये कह सकते हो क्रस्ट लाइक, है ना, क्रस्ट लाइक थिन एंड एडहियर्ड टू सबस्ट्रेटम। क्रस्टोस के बाद आ जाता है बेटा फोलियोस, फोलियोस मतलब लीफ लाइक, लीफ लाइक फ्लेशी, और फिर आ जाता है बेटा प्रक्टिकोस, दिस इज कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, इनके ऊपर कई बार ग्लोबुलर सा, कप शेप्ड सा, ऐसे ऐसे फ्रूटिंग बॉडीज नजर आएंगे, ठीक है। सो क्रस्टोस सिंपलेस्ट, प्रक्टिकोस मोस्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम, कहां पे लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं, लिथोकोलस, लिथोकोलस मीन्स ऑन रॉक्स, ठीक है। तो लाइकन्स दे आर लिथोकोलस, दैट इज ग्रो ऑन रॉक्स। नेक्स्ट आ जाता है बेटा टेरिकोलस, इन सॉइल, ठीक है। और तीसरा है, हम नाम नहीं इनको देते हैं, बट ग्रोइंग ऑन ट्री, मेनली तो यही है ग्रोइंग ऑन ट्री। सो दिस इज सबस्ट्रेटम। और यहां पे एक चीज और, ताकि
रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स. फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वही सेम पॉइंट है बाय फ्रेगमेंटेशन. फॉर्म बर्ड्स कॉल्ड आइसीडिया. इनके बर्ड्स को क्या बोलते हैं? आइसीडिया, आई एस आई डी आई ए. देन फॉर्म स्पोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरिडिया. दिस इज रिप्रोडक्शन. और लास्ट आ जाता है बेटा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. एक तो मैंने बताया है बायो इंडिकेटर्स तो है ही है, उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट है रोसेला टिंक्टोरिया. Yields, litmus paper. क्या फंक्शन होता है बेटा लिटमस का? लिटमस डाई. हाँ जी जल्दी से बताओ समरीत, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटमस डाई? मैम लिटमस पेपर बताता है कि एसिडिक है या बेसिक है कोई चीज. पीएच इंडिकेटर है लिटमस. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा देन ये तो हो गया. Another is reindeer moss, Cladonia rangifera. Cladonia rangifera. It is reindeer moss. Moss तो नहीं है ये, lichen है. It is order of reindeer. There are many other economic importance, but ये तीन जो है ये important है. Bio indicators of air pollution, then it yields litmus dye and it is used as fodder for reindeer. उनका खाना जो है वो ये lichen है. Right? So now note down. Next आ जाता है क्या? माइकोराइजा. तो इसकी हम यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन करेंगे क्योंकि इसकी आगे इंपॉर्टेंस इसका आगे वो सब प्लस टू में फिर दोबारा आता है. ठीक है. तो सिर्फ माइकोराइजा इट इज सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई with the roots of higher plants. Such as pinus, जो pine tree है ना. तो ये जो हिमाचल में तुम्हें शिमला जाओ तो बहुत सारे pine के trees मिलेंगे. So that is pinus. Another is ऑर्किड्स. ऑर्किड्स यहाँ नहीं मिलते. ऑर्किड्स जो है ना ये असम साइड इस साइड पे मिलते हैं. तो इन सब के रूट्स के साथ क्या एसोसिएटेड है? दैट इज फंजाई. कुछ फंजाई स्पेसिफिक. ठीक है. सो दैट सिंबायोटिक एसोसिएशन इज कॉल्ड एज माइकोराइज. सो दिस इज ऑल अबाउट फंजाई एंड इट्स एसोसिएशन. और लास्ट में हम आ जाते हैं बेटा वायरस, जिसका आजकल बहुत बोलबाला है. कोविड 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 कोविड, वायरल डिजीज राइट. सो वायरसेस. सो वायरसेस क्या है? दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स. दैट इज क्या मतलब है? फॉर्म्ड ऑफ
डीएनए और आरएनए कोर बीच में है, दोनों नहीं है डीएनए एंड आरएनए, या डीएनए या आरएनए कोर, सराउंडेड बाय, ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। तभी हमने कहा न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, न्यूक्लिक एसिड इन द सेंटर एंड आउटसाइड देयर इज प्रोटीन कोट, सो दीज आर वायरसेस। वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट। कोविड अगर हमारी बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, बट जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है देन इट बिकम्स लिविंग। सो आर नॉन लिविंग आउटसाइड लिविंग होस्ट, बट they are living inside living host. Outside the host, viruses can be, अगर वो दिख जाए, viruses can be क्रिस्टलाइज्ड, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स बनते हैं, है ना, एक आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं, सो वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड इनसाइड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग केमिकल्स। बट इनसाइड द होस्ट जैसे ही अंदर जाता है इट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, लाइक एक वायरस से कई वायरसेस बना देता है, लाइक लिविंग सेल्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वायरसेस do not have enzymes, इनमें कोई enzymes नहीं है, no metabolism, ठीक है, एक मिनट बेटा, बेटा viruses के पास अपने enzyme नहीं है, no metabolism, such as respiration, synthesis of proteins, कुछ भी नहीं, etc. कुछ भी metabolism नहीं है, तब भी host के अंदर जाके ये reproduce करता है। कैसे करता है? Viruses का बेटा, viruses का मकसद हमें मारना नहीं है, viruses का कोई मकसद हमें disease करना नहीं है, but क्या होता है? Viruses अंदर जाके हमारे सेल्स की मशीनरी खुद की रिप्रोडक्शन के लिए यूज करता है, और इस कारण हमारे सेल्स स्टार्व हो जाते हैं, इसलिए वो मरते हैं, अदरवाइज वायरसेस डू नॉट सिक्रीट टॉक्सिन्स, ठीक है। कोविड वाला है जिनके लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो वायरस के कारण एज सच नहीं आ रही है, नहीं तो सभी को हो, अगर वायरसेस लंग्स को ब्लॉक कर दे तो सभी लोगों के लंग्स ब्लॉक हो जाए, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं, वायरसेस इन्फेक्ट करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। कईयों का क्या होता है COVID-19 अंदर क्या, बट उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है उस वायरस को मारने के चक्कर में, ठीक है, और वो क्या करता है, अपने ही लंग्स को खत्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो दैट इज ड्यू टू, इसीलिए जिसकी लंग्स डैमेज हो रही है, फिब्रोसिस हो रही है, उनको स्टीरॉयड्स देते हैं, स्टीरॉयड्स क्या करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को डाउन करते हैं, ठीक है, और बट इम्यून सिस्टम डाउन चला जाता है तो बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हो जाती है, दैट इज अ सेपरेट इशू, ठीक है। सो वायरसेस डू नॉट हैव एंजाइम्स, नो मेटाबॉलिज्म, बट
यूज पोस्ट मशीनरी, पोस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर देयर रिप्रोडक्शन. Is it right? So these are some of the properties of the viruses. Another is viruses have either RNA or DNA, but never both. दोनों आरएनए और डीएनए नहीं होता है. वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक. जनरली जनरली जो है वो एनिमल के वायरसेस ह्यूमंस को नहीं इंफेक्ट करते. ऑल्दो हम ये कह रहे हैं कि COVID-19 जो है वो बैट्स में से आया है ना. तो बट मोस्टली अगर हम इन जनरल पे प्लांट वाले वाले वायरसेस प्लांट्स को ही करते हैं, एनिमल्स को नहीं करते. बर्ड्स वाले वायरसेस मैमल्स को नहीं करते. इस तरह से वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक. देन जो वायरसेस है, चल पहले ये लिखो, मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया था फिर मैं बताती हूँ. Transmission of viruses from one host to another कई तरीके से हो सकता है. It can be through soil, then to water. टू ड्रॉपलेट्स, जैसे हम कहते हैं COVID-19 जो है वो स्नीजिंग से, कफिंग से ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, या फिर थ्रू इंसेक्ट्स, जैसे डेंगू का वायरस होता है, चिकनगुनिया का वायरस होता है, मॉस्किटोज के थ्रू जा रहा है. तो दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल. जो पोलियो वायरस है वो सॉइल में से जाता है, ठीक है, वॉटर के थ्रू है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू है, या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकती है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा हिस्ट्री ऑफ वायरसेस. तो पहला साइंटिस्ट है इवेनोस्की. इवेनोस्की ने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व दैट मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको. जो ये डिजीज है इज कॉज्ड बाय ए माइक्रो. उस टाइम तक पता नहीं था कि कुछ वायरसेस भी होते हैं कॉज्ड बाय ए माइक्रोब विच इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया. एज दे कैन pass through bacteria through filters, जिनके through bacteria नहीं pass कर सकते उनके through भी ये microbes pass कर जाते हैं.
उसके बाद आ गया वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ मोज़ेक पार्ट ऑफ टोबैको, जहां पे टोबैको को डिजीज हुआ था उसका पार्ट लिया और उसको पीसा और उसका एक्सट्रैक्ट बना लिया। दिस एक्सट्रैक्ट प्रेड ऑन हेल्दी प्लांट्स, ठीक है, एंड these plants also get infected by tobacco mosaic disease. तो उसने क्या कहा कि ये जो फ्लूइड है, therefore extract is infectious, और उसने कहा था contagious या contagium fluid vivum, ये कौन सी भाषा है जो भी होगी जिसका मतलब है कि जो ये एक्सट्रैक्ट है वो क्या था, पॉइजनस था या इंफेक्शियस। उसके बाद नेक्स्ट पास्चर, यूज्ड द टर्म वायरस, दैट इज poisonous substance, या हम कहेंगे coined the term virus, that is poisonous substance. तो अब हम कहेंगे first virus to be discovered, जो काम हुआ वो कौन, किससे काम हुआ, TMV, फुल फॉर्म लिखनी है टोबैको मोज़ेक वायरस, इन सब ने इसी पे ही काम किया, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है स्टेनले, ऑब्टेन्ड टीएमवी इन प्योर फॉर्म, उसने जो ये फ्लूइड निकाला था इसमें से क्रिस्टलाइज कर लिया टीएमवी को, तो प्योर फॉर्म में उसने ऑब्टेन किया एंड फाउंड इट्स न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर, फाउंड इट्स न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर दैट इट इज फॉर्मड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री है, सभी तो नहीं, हिस्ट्री तो बहुत होगी, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ वायरस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, फर्स्ट है आउटर कोट और कैप्सिड, फॉर्मड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स। Then nucleic acid pore,
अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा डीएनए वायरसेस हो सकते हैं जिसमें डीएनए होता है, या फिर आरएनए वायरसेस हो सकते हैं। डीएनए वैसे तो डबल स्ट्रैंडेड है, बट कुछ वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, बट कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस भी है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, बट कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड, ये एक्सेप्शन है, बाकी सभी में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बट अगेन कुछ एक्सेप्शन है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, दीज आर एक्सेप्शंस, राइट। तो बैक्टीरियोफेजेस, तो अब हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, इसपे एग्जांपल है बैक्टीरियोफेजेस। वायरसेस को हम फेजेस भी बोलते हैं। The viruses which infect bacteria are called as bacteriophages. Then examples मैं थोड़ा सा हम देखने की भी क्या क्या examples हैं। Then double stranded DNA virus एक तो bacteriophages हो गए, another is hepatitis B virus. Another is polyomavirus. Another is adenoviruses. Single-stranded DNA viruses में 5x174 virus या ये स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज है। अच्छा बेटा यहाँ पे एक और लिखेंगे, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, अनदर इज डेलिया मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, इट इज पोलियो वायरस, पुट एंड माउथ डिजीज वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, राउस सार्कोमा वायरस, अनदर इज इन्फ्लुएंजा वायरस। Tobacco mosaic virus, all these are single stranded RNA viruses. Double stranded RNA viruses, इसमें आ जाता है rice dwarf virus, another is rio virus. So these are double stranded RNA virus. ठीक है जी, तो ये आ जाता है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा और समझो ताकि जो
बेस्ड ऑन होस्ट, यहाँ है वायरस, यहाँ पे है होस्ट. अगर वायरस फाइटोफेजेस है, फाइटो मतलब प्लांट्स, तो होस्ट हो गए प्लांट्स. जूओफेजेस होस्ट है एनिमल्स. माइकोफेजेस होस्ट है फंजाई. बैक्टीरियोफेजेस होस्ट है बैक्टीरिया. सियानोफेजेस होस्ट इज ब्लू ग्रीन एंट. इज इट राइट? ठीक है जी. सो बेस्ड ऑन द होस्ट दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ वायरसेस. ठीक है, देखो सर एक टर्म आ जाती है बेटा, विरियोन. विरियोन क्या है बेटा? जब वायरस होस्ट के बाहर है, ठीक है, और वो कैपेबल है इंफेक्शन के, बट नॉन लिविंग वायरस आउटसाइड द होस्ट एंड इज कैपेबल ऑफ इंफेक्शन, उसको हम कहते हैं विरियोन. राइट डाउन विरियोन. इट इज द नॉन लिविंग वायरस, नॉन लिविंग कंप्लीट वायरस, नॉन लिविंग कंप्लीट वायरस आउटसाइड द होस्ट एंड इज कैपेबल ऑफ इंफेक्शन, एंड इज कैपेबल ऑफ इंफेक्शन. इसको हम विरियोन कहते हैं. उसके बाद आ जाता है बेटा वायरॉइड्स, डिस्कवर्ड बाय डाइनर. वायरॉइड्स डिस्कवर्ड बाय डाइनर इन 1971. बेटा कुछ ऐसे इंफेक्शियस पार्टिकल्स है जिसमें न्यूक्लिक एसिड तो है, आरएनए तो है, बट प्रोटीन कोट नहीं है. दे आर कॉल्ड एज वायरॉइड्स. दीज आर द इंफेक्शियस आरएनए. वायरॉइड्स क्या है? इंफेक्शियस आरएनए, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड विदाउट एनी प्रोटीन कोट, विदाउट एनी प्रोटीन कोट. इसी में सेकेंड पॉइंट लिखिए, दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस, दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस. नेक्स्ट पॉइंट है आरएनए ऑफ वायरॉइड्स. बहुत बड़े बड़े आरएनए नहीं हो सकते बेटा, वेट बहुत ज्यादा आ जाएगा, कौन संभालेगा? आरएनए ऑफ वायरॉइड्स आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. दे कॉज द डिजीज सच एज पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल, ट्यूबर वायरॉइड. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड. ठीक है जी, ये वायरॉइड्स हो गए. और लास्ट टॉपिक है दो लाइन का प्रायोन.
prions. These are infectious proteins. These are infectious proteins without any nucleic acid. ठीक है जी. नेक्स्ट है, दीज आर स्मॉलेस्ट इंफेक्शियस एजेंट्स. दीज आर स्मॉलेस्ट इंफेक्शियस एजेंट्स. नेक्स्ट है, these are transmitted by, these are transmitted by ticks, T-I-C-K-S, ticks, mites, lice, जुए जो होती है lice, L-I-C-E, etc. हाँ जी मैम, ट्रांसमिटेड बाय क्या है, क्या है? टिक्स, T-I-C-K-S, टिक्स, माइट्स, लाइस एक्सेट्रा, ये सब एक्टोपैरासिटिक है, स्किन पे ही होते हैं ये. नेक्स्ट है, दे हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. They have abnormally folded proteins and cause various neurological diseases and cause various neurological, neurological means brain से related diseases. अनदर पॉइंट, जैसे हमने कहा था वायरॉइड्स तो वायरसेस से छोटे है, जबकि प्रायोन्स देयर साइज इज सेम एज दैट ऑफ वायरसेस. नहीं तो लगता भी प्रोटीन्स के ही होंगे सिर्फ, ये भी छोटे ही होंगे, बट ऐसा नहीं है. देयर साइज वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ वायरसेस. दे कॉज वेरियस डिजीजेस सच एज, they cause diseases such as bovine fungiform, bovine, bovine से मतलब है cattle से, bovine fungiform encephalopathy. एनसेफेलो मतलब सेफेलिक रीजन, सेफेलिक मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, बोवाइन मतलब कैटल, सो बोवाइन फंगीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसको कॉमनली बोलते हैं मैड काउ डिजीज. मैड काउ डिजीज इन कैटल. Another is, and another is, causes Pierre-Jacob, Pierre-Jacob disease, PJD in human. It is CR जैकब, ये डैश कर लेना, सी आर जैकब डिजीज, क्रूज जैकब डिजीज भी हम कह देते हैं, बट सी आर जैकब डिजीज इन ह्यूमंस. ठीक है जी, तो ये भी ब्रेन का ही डिजीज है, राइट? तो हम जो है इसको मतलब ज़ॉम्बीज, सुने आपने ज़ॉम्बीज होते हैं जो? यस मैम. क्या होते हैं ज़ॉम्बीज, बताओ जरा.
मैम भूत टाइप होते हैं। जो हम ये कह सकते हैं ज़ॉम्बीज की भी, जो शायद जो इंग्लिश में या वैसे की भी, वो मरे हुए लोग हैं जो इधर उधर घूमते हैं, मतलब डेड बॉडीज जो है इधर उधर घूम के लोगों को मार दे, दैट आर ज़ॉम्बीज। ठीक है, तो इस यस मैम। है ना, उनको ज़ॉम्बीज कह देते हैं। जो CJD है ना बेटा, डिजीज, कुरु डिजीज भी कहते हैं इनको, तो इसमें इंसानों का यही हाल हो जाता है कि ये लोग ना पतले से, कमजोर से, काले से हो जाते हैं, इधर उधर इन्हें होश नहीं होता है, इधर उधर घूमते हैं और लोगों को नोचते हैं, उनका दूध मतलब खून पीना शुरू कर देते हैं, कुछ इस टाइप के इनके सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसलिए इसको ज़ॉम्बी डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, कुरु डिजीज, ज़ॉम्बी डिजीज, इस तरह से हम कहते हैं। तो जनरली ये क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्रेन के डिसऑर्डर्स करते हैं। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट योर यू नो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।